अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हक नवाज मलिक और आप देख रहे हैं हक नवाज मलिक व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं एक और नई अपडेट के साथ, जो कि USBRL टनल, जो कि T14 और T15 के बीच में जो रेलवे ब्रिज है हमारा ब्रिज नंबर 61, उसका अपडेट लेके आया हूँ। रिसेंटली उसकी कास्टिंग हुई थी लास्ट ईयर। जो कि ब्रिज है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है, उस पर अब खाली पटरी बिछने वाली है। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करना। तो T14 और T15 का जो एरिया है वो भी मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा दूं, और ब्रिज का व्यू भी आप देख लो। ऑलमोस्ट 96% कंप्लीट काम हो चुका है USBRL प्रोजेक्ट का। तो फ्रेंड्स, लगभग 1 से 1.5 साल कम से कम अभी भी लगेगा ट्रेन को कश्मीर जाने में। तो फ्रेंड्स, रिसेंटली T14 टनल ब्रेक थ्रू हुआ था लास्ट महीने में T14 टनल ब्रेक थ्रू हुआ था। लाइनिंग का काम इसका भी अभी कंप्लीट है, जल्दी मैं आपको इसका भी अपडेट दे दूंगा। और T15 का काम जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया 99%, अब बाकी पटरी वगैरह का काम चल रहा है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे टूरिस्ट ऐसे भी हैं जो कश्मीर जाना चाहते हैं, लेकिन उनका इंतज़ार है कि ट्रेन कब जाएगी तो हम कश्मीर घूमेंगे। ट्रेन की कनेक्टिविटी जो है वो कटरा से बानीहाल तक खाली पेंडिंग है, बाकी जम्मू से कटरा तक तो ट्रेन आती है और बानीहाल से जो कश्मीर जाती है ट्रेन वो भी कंटिन्यू चलती है। तो चलिए, वीडियो को एंजॉय कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने रहा ब्रिज नंबर 61, जो कि T14 और T15 रेलवे टनल को कनेक्ट करता है। और साथ में ही आपको T14 का जो एडिट है, नॉर्थ पोर्टल है, वो भी आपको सामने दिख रहा है। और छोटा सा ये ब्रिज है जो कि T14 और T15 टनल को अभी कनेक्ट करता है आपस में। और सामने आपको प्लांट दिख रहा है कंपनी का, और ये आपके सामने जो ब्रिज है उसका पूरा व्यू आपके सामने है। पहाड़ ही पहाड़ हैं, चारों तरफ आपको पहाड़ दिख रहे हैं। और ये नीचे भी और शेड बना है, कोई ऑफिस इनका साइड का ऑफिस है। और सामने आपको कंक्रीट का प्लांट दिख रहा है, और TM भी आपके सामने खड़े हैं। और ये लेफ़्ट साइड जो जा रहा है रास्ता, ये चंसू की तरफ जाता है। तो नेक्स्ट अपडेट इंशाल्लाह मैं आपके लिए चंसू T14 का लाऊंगा। तो चलिए, वीडियो को एंजॉय कीजिए। और ये आपके सामने नीचे हाइड्रा आ रही है, और ऊपर से हमारा ट्रक जा रहा है डंपर कुछ सामान लेके। और हाइड्रा अभी ये मिशिलागा रोज तैयारा कैंप है, तो बस। और मौसम यहाँ का अभी लगभग ठीक ही है।